हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। तो आज का वीडियो मैं बच्चों के लिए खास लेकर आई हूँ और आज का जो टॉपिक है बच्चों के लिए वो है बच्चों में शाइनेस का होना। एक्चुअली शाइनेस का होना एक बहुत ही कॉमन सी बात होती है बच्चों में, लेकिन पेरेंट्स इसे जो है सीरियसली ले लेते हैं और वो हर किसी से डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत शाय है, वो मिक्सअप नहीं होता है लोगों के साथ और वो इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा हेजिटेशन उसे होती है। तो डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक छोटा सा बिहेवियरल इशू है जो कई बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे जो है कई बच्चों में जो है वो चीज़ अपने आप मिटती चली जाती है, लेकिन कई बच्चों में कोशिशें करनी पड़ती है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स मैं आज लेकर आई हूँ बच्चों की शाइनेस को हटाने के लिए और बच्चे को जो है टॉकेटिव बनाने के लिए। शाइनेस का सीधा सा कनेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग पावर पे, यानी कि उसके लिए फैसला लेने की क्षमता पे। और साथ में एक और रीज़न भी हो सकता है बच्चे में कन्फ्यूजन का होना। तो और कई बार कन्फ्यूजन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा नोटिस करती होंगी कि बच्चा जो है लिखता तो बहुत अच्छे से है आंसर्स को, आंसर शीट्स पे कॉपी में बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेशन कर पाता है लिख कर, बट वो बोल कर अपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। यानी कि कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम तब नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम तब ये है कि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर की क्षमता आपने बढ़ानी है। तो पहले तो ये पता कीजिए कि डिसीजन मेकिंग पावर की प्रॉब्लम की थोड़ा सा इश्यू चल रहा है या फिर उसमें कन्फ्यूजन है। कई बार दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपको अगर दोनों चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। तो ऐसा कभी भी मत समझिए कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो बड़ों का काम है, बड़ों को ही डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। ये क्षमता बच्चों में बचपन से ही डेवलप की जानी चाहिए, क्योंकि बड़े होने तक ही वो क्षमता जो है उसकी ताकत बन पाएगी, वो सही से अपने डिसीजन ले पाएगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ में आगे उसी को अकेले ही बढ़ना होता है। नॉट सो कि बच्चों को डिसाइड करना अच्छा नहीं लगता, या फिर अगर ऐसा नहीं होता मतलब जो मैं कह रही हूँ कि डिसीजन मेकिंग पावर की जो क्षमता बच्चों में नहीं होती, तो आप उसे बर्थडेज पे ब्लॉक बिल्डिंग गेम्स क्यों ले देते हैं, आप उसे उसके बर्थडेज पे जो है पज़ल गेम्स क्यों देते हैं, या फिर जो साइंस प्रोजेक्ट किट्स होती हैं वो क्यों देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो डिसाइड करके पज़ल्स को सॉल्व करता है, वो डिसाइड करके ब्लॉक बिल्डिंग करता है। ये उसकी पहचान की क्षमता ही नहीं होती है, बल्कि डिसाइड करने की भी एक पावर होती है। डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से वो ब्लॉक्स को अरेंज करता है, पजल्स को सॉल्व भी करता है। बच्चा थोड़ा सा जो है बात करने में आई कांटेक्ट नहीं करता है, चीज़ों का सवालों के जवाब वो मतलब ठीक से नहीं दे पाता है, आधे देता है या फिर आंखें चुराता है जवाब देने। तब आपको क्या करना है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि शाइनेस बच्चे के अंदर है, आपको क्या करना है, इंतज़ार और साथ में कुछ कोशिशें। तो ये कोशिशें कैसी हैं, वेट करिए, सबसे पहला आपका काम है वेट करना, पेशेंसफुली वेट करना कि आपकी कोशिशें सफल हों। तो कोशिशें क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने बेड पर जो है वो बेडशीट जो है बिछा रही हैं, तो आप अपने बच्चे को चाहे वो बेटा है बेटी है, आप उनसे पूछिए कि बेड पे कौन सी बेडशीट मुझे बिछानी चाहिए, तो आपका बच्चा डिसाइड करके वो सोचेगा और उसे अच्छा भी लगेगा कि आप उसका जो है आप उसकी राय ले रही हैं। फिर वो जो है मैंने पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ें आपको बताई है कि बच्चे में इससे डिसाइड करने की पावर जो है उनकी वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपको जब वो बताए कि कौन सी बेडशीट आपको बिछानी है, उसी बेडशीट को बिछाइए। और साथ में अगर कन्फ्यूजन वाला इश्यू साथ में आपको लग रहा है शाइनेस के साथ जो डिसीजन मेकिंग पावर के साथ, तो साथ में जब आप बेडशीट बिछाती हैं तो साथ में ये भी आप उसे बोल सकती हैं कि ये कलर थोड़ा लाइट ग्रीन है, जबकि वो होगा डार्क ग्रीन। आप उसे बताएंगे कि ये लाइट ग्रीन है, तो वो बोलेगा कि नहीं ये तो डार्क ग्रीन है, या फिर वो बोलेगा नहीं ये तो रेड है, नहीं ये तो येल्लो है। तब आप उसे जो है किस तरीके से सर्च करके बताइए कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये कलर यही है। तो इससे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपने जो उसको दिया था वो कन्फ्यूजन
जो है आपने उसी समय उसको सॉल्व कर दिया। तो धीरे धीरे करके जो है ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों में कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगी। जब उसे पता लगेगा कि कन्फ्यूज उसकी उसके पेरेंट्स थे और उनके कन्फ्यूजन को उस बच्चे ने दूर किया है, तो वो आगे भी जो है अपने जो कन्फ्यूजन को है अपने आप ही सुलझाने के लायक बन सकेंगे। फिर दूसरी चीज़ यह है, जब आप उसे अपने साथ मार्केट लेके जाती हैं अपने शॉपिंग के लिए, तो उसका जो बैग होता है, आजकल तो लड़कियों को जो है एक छोटा सा बैग यहाँ पर टांगने को दे देते हैं, छोटा सा जिसमें टैडीज़ बने होते हैं, डॉल्स बनी होती हैं, तो वो एक बैग दीजिए, उसमें 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये के सिक्के आप रखिए और उससे ज़्यादा नहीं। और जब आप शॉप में जा रही हैं, आपकी बिलिंग होती है, तो आप जो है ऐसी रिक्वायरमेंट वहाँ पर जनरेट कीजिए कि आपको 1 रुपये के सिक्के की ज़रूरत है, ठीक है। अगर तो वो आपसे मांग रहे हैं शॉपकीपर सिक्का, तो ठीक है, आप बच्चे से बोलिए कि क्या तुम्हारे पास 1 रुपये का सिक्का है, तो फिर वो आपको उसमें से 1, 2 और 5 में से डिसाइड करके देगा कि 1 रुपये का सिक्का इसमें कौन सा है। और इस दौरान शॉपकीपर से उसको जो है इंटरेक्ट अपने आप करने दीजिए, और जो है या फिर आप बोलिए मुझे एक टॉफ़ी खानी है, ठीक है, टॉफ़ी खानी है, मुझे ये टॉफ़ी पसंद है, आप क्या मुझे अपने उसमें से थोड़ा सा मनी दे सकते हो। तो इसमें से बच्चे में जो है वो कन्फ्यूजन दूर होगा कि उसे ही उसका पेमेंट करना है, ठीक है, और उसे वो 1 रुपये ही निकाल के शॉपकीपर को देना है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर धीरे धीरे जो है उसमें डेवलप होती रहेगी, बिकॉज एवरी टाइम मैं आपको यही कहती हूँ कि थिंग्स स्टार्टेड एज वन टाइम एक्टिविटी बिकम्स अ हैबिट। तो आपको उसके हैबिट में ये चीज़ें लानी हैं, शाइनस धीरे धीरे निकलते चले जाएगी, बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का चाहे बड़ों का बढ़ता है, वहीं पर शुरुआत होती है उसकी जीत की, उसकी चीज़ों को समझने की, उसके फैसले लेने की। और जब आप ये सब कुछ कर रही हैं तो टेक इट एज अ एक्टिविटी, आप एक्टिविटी की तरह इसे लीजिए, और ज़्यादा शाइनेस पर ज़्यादा सीरियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाइनेस जो है एक वो जो है बचपन के साथ ही बच्चे में डेवलप आता ही है, ठीक है। कई बच्चों में धीरे धीरे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, किसी में चला जाता है, किसी में ज़्यादा देर तक रहता है, लेकिन वो जाता ज़रूर है, क्योंकि जब वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने देखा है आपके घर में कोई पपी आता है वो पहले हेजिटेट करता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है, वो भी बच्चों की तरह होती है। कोई बर्ड आप लेकर आते हैं वो भी हेजिटेट करती है, बिल्कुल बच्चे भी वैसे ही हैं। और प्लीज़ इस चीज़ को डोंट टेक इज एट एज अ प्रॉब्लम, आप इस चीज़ को दूसरों के साथ डिस्कस मत करिए, आप अपने बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए, और उसकी हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, अपने बच्चे को स्पेशल हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि जब जैसा हम प्रेजेंटेशन देते हैं चीज़ें हमें वैसी ही दिखती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप पेरेंट्स को ये चीज़ें आज पसंद आई होंगी, आप इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में एज एन एक्टिविटी बच्चों के साथ करेंगे, और शाइनेस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जो है दूर होती रहेगी। थैंक यू, बाय, एंड जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।